और बुलेटिन में सबसे पहली खबर सिराजुद्दीन अरेस्ट से जुड़ी हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अरेस्टेड आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन ने नए खुलासे किए हैं। एटीएस के मुताबिक सिराज 2 महीने बाद आतंकी ट्रेनिंग लेने सीरिया जाने वाला था। इसके लिए वो हैदराबाद और महाराष्ट्र के 2 लड़के लड़कियों को तैयार कर रहा था। हैदराबाद से 20 साल की एक लड़की उसके साथ जाने को राजी हो चुकी थी। उसे हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार रात अरेस्ट कर लिया। अमीना ने फेसबुक पर हथियारबंद आईएसआईएस आतंकियों की तस्वीरें पोस्ट कर रखी थीं। इसके साथ ही सिराज के संपर्क में 15 से ज्यादा युवा थे, सभी के अकाउंट्स की जानकारी ली जा रही है। एटीएस फेसबुक हेडक्वार्टर की भी मदद इसमें ले रहा है और सभी अकाउंट्स की जानकारी, फेसबुक अकाउंट्स की जानकारी ली जा रही है। तो अमीना नाम की वो लड़की जो सिराजुद्दीन के संपर्क में थी, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की खबर है। और 15 लड़के लड़कियों से संपर्क में था, 2 लड़के लड़कियों को अपने साथ सीरिया ले जाने के लिए वो तैयार भी कर चुका था। और अब आपको बताते हैं कि एटीएस की पूछताछ में वो कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। आईएस के आतंकियों ने सिराज को 5 महीने पहले अर्जेंटीना बुलाया था, यहां से उसे सीरिया भेजा जाना था। लेकिन सिराज ने यह कहते हुए कुछ वक्त मांगा था कि वो हैदराबाद और महाराष्ट्र के 2 लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा है। उसने कहा था कि जयपुर में रहकर अभी और मेंबर बना सकता है। वो सभी को साथ लेकर फरवरी या मार्च 2016 तक आतंकी ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंचेगा, ऐसा उसने आईएसआईएस से कहा था। इस बीच सिराज के साथ ट्रेनिंग पर सीरिया जाने वालों को जाने को हैदराबाद की एक लड़की भी तैयार हो चुकी थी। उसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमीना नाम उसका बताया जा रहा है। सिराज के साथ जाने वाले लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए सीरिया के अलावा अर्जेंटीना, अमेरिका, फिलीपींस और इराक भी भेजा जाना था। सिराज रोज 5 आतंकियों से चैटिंग करता था। वो मूल रूप से गुलबर्गा कर्नाटक के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके गांव के पास ही इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सरगना यासिन भटकल का गांव भी है। सिराजुद्दीन के आईएम से संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन को आईएसआईएस का एजेंट होने के आरोप में गुरुवार देर रात जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। वो जवाहर नगर के फ्लैट नंबर B605 में रहता था। इस एजेंट के बारे में राजस्थान एटीएस को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने इंफॉर्मेशन दी थी। NIA को जानकारी मिली थी कि ये शख्स सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर आईएस की पब्लिसिटी कर रहा है और उसके दूसरे देशों में भी संपर्क है। उसके रूम से आईएसआईएस की ऑनलाइन मैगजीन द वीक की कॉपियां भी बरामद की गई हैं। एटीएस ने रियाज उद्दीन से शुक्रवार को लगातार 10 घंटे तक पूछताछ की है। कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 21 तारीख तक उसे रिमांड पर भेजा गया है। और अब एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। तो आशुतोष शर्मा इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जयपुर से जी मीडिया संवाददाता। आशुतोष, इस खबर पर आपकी लगातार नजर है। अब जब 21 तारीख तक की रिमांड मिली है, ताजा अपडेट क्या है, क्या क्या खुलासे उससे हो चुके हैं? देखिए, अभी तक जो भी खुलासे हुए हैं बेहद गंभीर हैं और कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि जो तैयारी है सिराजुद्दीन की तरफ से वो पूरी कर चुकी थी। आईएसआईएस की तरफ की बात करें तो उनकी तैयारी भी पूरी, लगातार एक दूसरे से ये संपर्क में थे और 5 महीने पहले ही बुलावा भेजा गया था, लेकिन तब इस बात को कहकर टाला गया था या इसको ये समझा जाए कि प्रॉपर प्लानिंग थी कि वो उसको अर्जेंटीना बुलाया गया, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि वो कुछ और शख्स तैयार कर रहा है। यानी कि जाहिर तौर पर आईएसआईएस की तरफ से उसको ये टारगेट दिया गया था, उसको शायद ये सिद्ध करना था कि वो कितने लोगों को अपने साथ लेके जा सकता है या अपनी विचारधारा के साथ में कितने और लोगों को वो अपने साथ ले सकता है। ऐसे में हैदराबाद की अमीना नाम की जो युवती है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे युवक हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें राजस्थान का अभी तो कोई भी नाम सामने नहीं आया है। लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि राजस्थान के किसी शख्स को क्या टारगेट किया गया है,
राजस्थान की किसी शख्स के साथ में क्या संपर्क साधे गए हैं वो जानकारी अभी तक नहीं आई है। आईबी के एक्सपर्ट हैं दो, वो जयपुर पहुंच चुके हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एनआईए के एक्सपर्ट्स की पहुंचने की भी बात कही जा रही है, जो संभवतः आज यहां पहुंच जाएंगे। 21 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया है, जिसमें एक एक करके जो परत दर परत है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी वो खुलती नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जयपुर में बैठा बैठा ये शख्स इसने आखिर क्यों जवान नगर के एक ऐसी जगह पे फ्लैट लिया जो कि बेहद सुनसान मानी जाती है, उसके अलावा सबसे टॉप फ्लोर पे इसने सबसे कोने का फ्लैट लिया ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। पड़ोस में जब हमने बातचीत की तो यही बात सामने निकल के आई कि किसी भी शख्स से ये बातचीत नहीं करता था। ऑफिस में जब बातचीत करने की कोशिश की गई एटीएस ने तो भी इस बात को कहा गया है कि किसी भी तरीके की संपर्क नहीं कर सकता, सीधा आता था, काम करता था, चला जाता था। टॉप फ्लोर पे रह के लगातार इंटरनेट के जरिए, ये फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए ये लोगों को, उन लोगों को टारगेट करता था कि जो राजस्थान से बाहर हैं, देश और विदेश से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 700 लोग इसके सोशल साइट्स पे जुड़े हुए हैं जी, और अलग अलग तरह के जो पोस्ट हैं उनकी तरफ से भी किए गए हैं और इसकी तरफ से भी किए गए। तो अमित, जो तैयारी है वो बेहद गंभीर थी, क्योंकि तकरीबन 2 महीने बाद लगभग ये तय हो चुका था कि ये अर्जेंटीना होते हुए सीरिया चला जाएगा, एक प्रॉपर बुलावा भी था जी। घर की बात करें तो तैयारी भी कर चुका था, अपनी पत्नी को ये बैंगलोर भेज चुका था। तो ये समझा जाए कि सिराजुद्दीन की तरफ से और आईएसआईएस की तरफ से तैयारी पूरी थी, लेकिन अगर देखा जाए आईबी का इनपुट मिला और उसके बाद जी आशुतोष देखा जाए तो जी अमित, आईएसआईएस के भारत में एक्सपेंशन की ये एक कड़ी है और इस तरह के लोग जब तक रहेंगे बाहर रहेंगे तब तक खतरा बना हुआ है। ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र और हैदराबाद तक ही इसने एक्सपेंशन का प्लान बनाया हो, राजस्थान में भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इसकी भी जांच जरूर की जा रही होगी। देखिए जांच बिल्कुल की जा रही है, यहाँ तक कि फेसबुक हेडक्वार्टर की मदद ली जा रही है, व्हाट्सएप पे जो इसने संपर्क साधे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की जो कहीं ना कहीं चैटिंग होती है अगर उसको एक बार डिलीट कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन तक कैसे पहुंचा जाएगा, लेकिन वहाँ से भी मदद ली जा रही है। तो टेक्निकल आधार पर हर तरह की तलाश की जा रही है, आईबी की मदद ली जा रही है, एनआईए की मदद ली जा रही है, तकनीकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली जा रही है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर वो राजस्थान में यहाँ रह रहा था और जब उसने इस वादा किया था आईएसआईएस के जिन लोगों से उसका संपर्क हुआ है कि वो जयपुर में रह के और अपना कद बढ़ाएगा या आईएसआईएस का कद बढ़ाएगा, यानी कि और साथी अपने साथ कुछ लेके जाएगा, 4 लोग उसके साथ तय हो चुके थे। जो युवती है जो हैदराबाद से जिसकी गिरफ्तारी हुई है मूलतः वो केन्या की बताई जा रही है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वाकई में मूलतः वो केन्या की रहने वाली थी, लेकिन प्रारंभिक जानकारी जो आई है वो केन्या निवासी के तौर पर उसके सामने आई है। एक युवक का नाम भी सामने आया है लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो इनपुट था ये आईबी का इनपुट था, आईबी को शायद स्पष्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये जो शख्स था वो जयपुर में रह के इस तरह की गतिविधि कर पा रहा था, तो ये पूरा की पूरा जो चार्ज है वो राजस्थान एटीएस को दिया गया। एक लंबी चौड़ी पूछताछ की गई, एक लंबी चौड़ी नजर रखी गई, उसके बाद में सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी करने के बाद में ये तमाम एक एक कड़ी जो है वो खुलती नजर आ रही है। अब ऐसे में एनआईए की पूछताछ, आईबी के एक्सपर्ट जो है, जो उनकी जो पूछताछ है उसमें और क्या कड़ी जुड़ती है, क्या राजस्थान के कुछ शख्स के नाम आते हैं और उसके बाद ये भी खुलासा हो पाता है कि क्या और ऐसे भी बहुत सारे सिराजुद्दीन ये गद्दार तैयार कर चुका था। दूसरी बड़ी बात ये कि इंडियन मुजाहिदीन का जो संस्थापक है उससे संपर्क भी साधे जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह का ही मूलतः रहने वाला है ठीक उसके पड़ोस में ही इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल का गांव है, तो वो संपर्क भी साधे जा रहे हैं, वो संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं जी। आशुतोष एक सवाल और कि इंडियन ऑयल में ये काम करता था, और हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं फिर आपसे वो सवाल लेंगे। हिंदुस्तान में बगदादी के इरादे कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि सिराजुद्दीन जैसे बगदादी के गुर्गे हिंदुस्तान की एजेंसियों की पकड़ में आते ही मुर्गा बन जाते हैं और आईएसआईएस के खौफ का बखान करने लगते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई देने लगते हैं। अगर बगदादी की फौज में ऐसे बुजदिल गुर्गे हैं तो बगदादी का अंत करीब है। बुजदिल निकला बगदादी का एजेंट, अदालत से मुंह लटकाकर बाहर आते इस देश के गद्दार को देखिए, बंद कमरे में यह गद्दार बगदादी का भोंपू बना बैठा था, लेकिन जैसे ही ये एटीएस की गिरफ्त में आया ऐसे गिड़गिड़ाने लगा जैसे इसे आतंक की एबीसीडी ही ना पता हो। एटीएस और एनआईए की टीम से घिरे सिराजुद्दीन को पता है कि अब बगदादी उसकी मदद करने नहीं आएगा। गद्दार सिराजुद्दीन को रहम की भीख चाहिए। बगदादी के लिए 80 देशों में नेटवर्क फैलाने वाला सिराजुद्दीन अदालत में खुद के पढ़े लिखे होने की दुहाई दे रहा था और अदालत से रहम की भीख मांग रहा था।
छोटे छोटे बच्चों की दुहाई देने लगा सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन को पता है कि उसने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है और उसकी कितनी बड़ी सजा उसे मिल सकती है, लेकिन सिराजुद्दीन ने अदालत में छोटे छोटे बच्चों की दुहाई भी दी, लेकिन अदालत ने इस गुहार को सिरे से नकार दिया। आईएसआईएस के एजेंट ने कहा, मैं गुमराह हो गया था। एक तरफ तो सिराजुद्दीन खुद के पढ़े लिखे होने की दुहाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ गुमराह हो जाने की बात कह रहा था। अदालत में सिराजुद्दीन डर के मारे एक से बढ़कर एक पैंतरे दे रहा था, लेकिन अदालत ने सिराजुद्दीन की साजिश को भांप लिया था, लिहाजा उसने सच उगलवाने और देशद्रोह की साजिश में लगे दूसरे गद्दारों तक पहुंचने के लिए अदालत ने सिराजुद्दीन को 21 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो कल जो भी कुछ कोर्ट में हुआ, ये रिपोर्ट आपने देखी। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, कल जो भी कुछ कोर्ट में हुआ बहुत ड्रामेटिक था। एक तरफ ये शख्स कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, एक तरफ बहक गया हूं ये कहता है, तो क्या ये जो भी आईएसआईएस से पढ़े पढ़ाए इस तरह के युवक हैं जिन्हें बहकाया गया है, उसकी मनस्थिति को जाहिर करता है किस तरह से ये लोग इनकी मानसिकता किस तरह की हो जाती है। कल जो भी कुछ कोर्ट में हुआ वो उसकी एक मिसाल थी। देखिए, कल जो भी कुछ कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से सिराजुद्दीन दुहाई दे रहा था कि वो पढ़ा लिखा है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो गुमराह हो गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब इस तरह की एजेंसियों के चंगुल में ये लोग आ जाते हैं तो इसी तरह की दुहाई देते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पूरा एक इतिहास खंगाला जाए इस तरह के संगठनों का या संगठनों से जुड़े हुए इस तरह के लोगों का, तो बेहद इंटेलिजेंट होते हैं। चाहे वो साल 2014-23 मार्च से एक एक करके इंडियन मुजाहिदीन की जो खुलाते हुए स्लीपर सेल राजस्थान में जो तैनात था, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और आसपास के इलाकों से जो एक एक करके युवा सामने आए, जो कि सभी इंजीनियरिंग के छात्र है, और कोई टेंथ में टॉपर था तो कोई ट्वेल्थ में टॉपर था, यानी कि उनका जो दिमाग था वो बहुत तेज था, और उन्हीं के तेज दिमाग को दरअसल इस तरह के जो संगठन होते हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनका ब्रेन वॉश किया जाता है बाकायदा, और ब्रेन वॉश करने के बाद में जो स्थिति होती है वो आपका दिमाग नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से अगर ये भी किसी का शिकार हुआ, लेकिन पढ़ा लिखा था, समझ सकता था चीजों को, आगे अपनी शिकायतें पहुंचा सकता जी, था, मदद बहुत कर सकता सही था, आशुतोष आपने गद्दार ना कहलाता, अगर इस तरह की मदद करता। कई बार टॉपर होते हैं और तेज दिमाग होते हैं, लेकिन उन्हें बरगलाया जा सकता है। एम्बिशन जो है, उनकी महत्वाकांक्षा है, वो शायद गलत दिशा में चली जाती है।